Guys, welcome to Futures 4x4 once again, and here we are with a monster beast overlanding Pajero. This was a Pajero, and it is a 2015 model, and it was in white and grey color. So guys, this is our tent, and this is for three people. मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ. So it comes with this telescopic ladder, then you just climb. And this is the interior of this tent. Nice और easy to use है. दो लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं. दो लोग चाहिए इसको खोलने और वापस से इसको ऊपर करने के लिए. तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे बंद होगा वापस. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, इस पे हमने इसके कैरियर पे हमने लाइट फोर्स की 170 LED स्ट्राइकर्स इंस्टॉल की है. हमने हाइपरसोनिक की डुअल LED बार इंस्टॉल की है. मैं आपको शुरू करके दिखाता हूँ. सो दीज आर लाइट फोर्स स्ट्राइकर 170. दिस इज इन ऑल पावर, एंड ये है हाइपरसोनिक LED ड्यूल बार्स, एंड इन द फ्रंट वी हैव माई फेवरेट आयरन मैन शूटर्स. So guys, finally this was the tent what we have installed on this Pajero. And finally I want to talk about very 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 interesting thing what we've done on this Pajero is this. You can see this is not a paint, this is black PPF. We have installed the black PPF on this Pajero. You can see the fit and finish of this PPF, very nicely done work, very finish, and each and every minute details has been covered. So guys, all in all, मैं आपको वापस से बता देता हूँ हमने क्या किया है इस Pajero में. फ्रंट बम्पर आयरन मैन 4x4 विंच, LED शूटर्स लाइट आयरन मैन, लाइट फोर्स 170 स्ट्राइकर 170 LED, आई एम सॉरी, देन हाइपरसोनिक डुअल LED बार्स, स्नॉकल, कस्टमाइज्ड हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर लैम्प्स, सस्पेंशन डॉक्टर नैनो सस्पेंशन, लिफ्ट किट ऑफ 3.5 इंचेस, मड टेरेन टायर्स मैक्सिस बकशॉट 35 एंड 15 इंचेस 10J ऑफसेट रिम्स, ब्राज़ीलियन रिम्स, कैरियर, दिस इज अ इंपोर्टेड कैरियर एंड कैन अकोमोडेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेट, प्लस दिस टेंट. This is for good for three to four people. I would say three people. Moving further, traction board, sand ladders on the rear. These are the traction boards and ladders we have installed on the rear as well. So here we come to the end of this video, guys. So this was all about the exterior of this vehicle, guys. इसमें जो मैट्रेस दी हुई है बहुत कंफर्टेबल है, 2.5 इंच. ये आप पहले इसको आउटर प्रोफाइल इसका देख लीजिए. सो गाइस, मैं अब आपको इसके जो आइसिंग ऑन द केक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हमने इसमें ऐड किया है, विच इज ओरियंट टेंट, रूफटॉप टेंट ऑफ आयरन मैन 4x4, ये मैं आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा. अब पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको ऑपरेट करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता है. एंड एज मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, इसमें आप चार लोग रह सकते हैं, टू एडल्ट्स टू चाइल्ड, और
तीन एडल्ट्स इसमें आराम से रह सकते हैं। आप अभी खोलेंगे हम, आप इसमें स्पेस देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे खुलता है और कैसे ऑपरेट होता है। दैट्स जायद एंड दैट्स निहाल, ये दो हमको इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे। लेट्स गो। और गाइस मैं ये भी नोट करना चाहूँगा, सी वी आर स्टार्टिंग दिस ऑपरेशन एट एग्जैक्टली 2:15। कितना टाइम लगता है ये अभी देख लेते हैं। ये हमने ऊपर का इसका हार्ड शेल खोल दिया। द बेल्ट विल गो बिहाइंड, इसमें टेलीस्कोपिक लैडर ऑलरेडी आती है, ये अभी आपको इन लोग खोल के दिखाएंगे। एंड दिस इज हाउ इट विल कम आउट, एंड दिस इज हाउ इट विल कम आउट, हाउ दिस इज हाउ इट विल डिप्लॉय। अब क्विकली हमको ये टेलीस्कोपिक लैडर जो है इसको डिप्लॉय कर देना है। तो ये टेलीस्कोपिक लैडर जो है ये खुलते ही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, जैसे ही इट टचेस द ग्राउंड इट गेट लॉक्स फ्रॉम ऑल द स्टेप्स। ये सारे स्टेप इसके लॉक हो गए। ये आप पहले इसको आउटर प्रोफाइल इसका देख लीजिए ये कैसा है। हमने आपको ये दिखा दिया कि इसको ऑपरेट कैसा करना है। एग्जैक्टली इसमें लगे हैं 2.5 मिनट इसको खोलने में, ठीक है। अब हम इसको धीरे धीरे इंस्टॉल करेंगे। अंदर इसमें जो जो सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके विंडोज़, इसका सनरूफ, इसमें नेट्स, इसका रेन कवर, इसका यू नो रेन शेड इनसाइड, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको इसमें लगा के दिखाएंगे, इसमें इंस्टॉल करके दिखाएंगे। पहले मैं आउटर कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसमें ये दो शू रैक्स आते हैं, यू कैन रिमूव द शू रैक लाइक दिस। इसमें मैंने अपने शूज़ रखे, और अगर मुझे कहीं जाना है तो आई कैन टेक इट लाइक दिस। मैंने इसको पहन लिया, इसमें पीछे मेरे शूज़ है या कोई और सामान है, एंड आई कैन मूव ऑन। ये ऐसे इसमें दो बैकपैक्स दिए हुए हैं। सो गाइज एज यू कैन सी दिस टू गाइज जायद एंड निहाल इसको पूरा इंस्टॉल कर रहे हैं। जायद इज रोलिंग अप द फ्रंट डोर, ऐसा रोल अप हो जाएगा, और मैक्सिमम अराउंड 5 to 10 मिनट्स में आप इसको पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपनिंग इज अबाउट 1 or 2 मिनट्स, इंस्टॉलिंग इज अबाउट अनदर 5 to 10 मिनट्स। इसमें सारे इसके रॉड्स दिए हुए हैं फॉर द सपोर्ट। और अभी आप ये देखेंगे कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बारिश होती है जब बहुत ज़्यादा, तो कैसे इसमें पानी नहीं अंदर जाता, दिस इज़ वाटर प्रूफ, तो कैसे इसमें पानी नहीं जाता, बहुत साइंटिफिकली बनाया है इन लोगों ने। एंड निहाल राइट नाउ इज असेंबलिंग द साइड विंडोज। दिस इज़ हाउ आपको ये रॉड्स जो इनके साथ में आए ये आपको सिर्फ और सिर्फ फिट कर देने। एंड आपको एक और भी बात बता दूँ, इसमें नेट्स भी आती है, सो दैट आपको अगर हवा चाहिए, हवा आ रही है नेट से और मच्छर मक्खी अंदर नहीं आ रहे, मतलब कोई भी बग्स अंदर नहीं आ रहे। दिस टेंट कम विद द LED स्ट्रिप्स एज वेल, अंदर भी है और नीचे भी है LED स्ट्रिप, जिससे ये लिट अप रहता है एंड लुक्स नाइस, और थोड़ी बहुत ये रोशनी भी आपको देगा। सी यू कैन सी हाउ दे आर असेंबलिंग दिस प्रोडक्ट, वेरी इजी। दो लोग या एक लोगों को मेरे ख्याल से 8-10 मिनट लगेंगे, दो लोग होंगे तो 5-6 मिनट में हो जाएगा। यू कैन सी गाइस जायद इसमें से ऊपर से बाहर आ गया, दिस इज़ द सनरूफ। अगर आपको कोई फोटोग्राफी करनी है या कोई जस्ट वांट टू एंजॉय द वेदर, इफ़ यू जस्ट वांट टू एंजॉय द एटमॉस्फेयर, यू कैन कम आउट लाइक दिस, हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग विद योर पार्टनर एंड एंजॉय। सो इन द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो गाइज मैं आपको इसकी इस टेंट के, ओरियन टेंट के बारे में हर एक फीचर डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं बता ही रहा हूँ, जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा मैं आपको हर एक डिटेल बताऊँगा। एंड जायद इज़ ऑलरेडी देयर इनसाइड, निहाल इज़ ऑलरेडी देयर इनसाइड, नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू गो इनसाइड वंस दे असेंबल द प्रोडक्ट।
आई एम ऑल्सो गेट इन टू द टेंट एंड आपको दिखा देंगे कि कैसे तीन लोग इसमें आराम से, बहुत ही आराम से रह सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। गाइस मैं आपको इसके बाकी के फीचर्स बता देता हूँ। हम पहले तीन लोग थे, अभी अब सिर्फ निहाल हाय बोल दे और जायद अंदर है, जायद हाय बोल दे और निहाल जरा दिखा दे। सो दीज आर द साइड पॉकेट्स यू गेट फॉर योर एक्सेसरीज लाइक मोबाइल फोन, चार्जर, योर ग्लासेस एंड मोर स्टफ। यू गेट इट ऑन राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट का दिखा दे जायद ऑन बोथ द साइड। आपके पीछे आप ये नेट देख सकते हैं, ये नेट इसलिए दी है ताकि अगर आप टिके तो ये बाहर नहीं गिर जाए इससे। और आप पीछे देख सकते हैं इसमें सॉफ्ट कुशन दिया हुआ है सो दैट इट विल कीप इट कीप कूल इनसाइड एंड ऑन इनसाइड दिस नेट यू कैन पुट योर कुशन, यू कैन पुट योर ब्लैंकेट, मैनी अदर स्टफ। ये आराम से दोनों टिक के बैठे हैं, इस पर ऊपर दो कुछ दिए हुए हैं टू ऐड फैन, टू ऐड अदर लाइट। ये सेंटर का आप रॉड देख रहे हैं, जाए सेंटर रॉड दिखा दे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको बराबर वी शेप दे देता है टॉप को ताकि बारिश का पानी इस पर रुके नहीं। एंड दैट इज़ हाउ वी क्लेम इट इज़ अ वाटर प्रूफ रूफ टॉप टेंट। यहाँ पे दी हुई है वायर लूप्स डालने के लिए, अगर आपको कुछ अंडर इक्विपमेंट चलाने हैं यहाँ से आप वायर ला सकते हैं। उसके ऊपर फ्लैप भी है, उसको कवर कर देंगे, पानी अंदर नहीं जाएगा। बोथ द साइड भी है और बहुत एक बहुत एक प्यारी बात बता दूं, इसके जो एलईडी लाइट्स है आप देख सकते हैं ऊपर एलईडी लाइट्स है, यू कैन चेंज द कलर, कलर चेंज करके बता। राइट नाउ वी आर ऑन येलो, इज स्विच्ड ऑफ एंड वाइट, सो यू कैन चेंज द वार्म्थ ऑफ दिस एलईडी लाइट्स। एकदम वार्म करेगा तो येलो हो जाएगी, एकदम कम करेगा वाइट हो जाएगी, एकदम बंद भी कर सकते हैं एंड यू कैन डिम इट, फास्ट इट, एनीथिंग यू वांट। प्लस नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर इसमें सनरूफ दी हुई है, चेन खोलोगे आप सीधा इसमें से बाहर निकल सकते हो एंड यू कैन एंजॉय द क्लाइमेट वेयर एवर यू आर। अगेन दीज आर द नेट्स, दीज आर द मैश गिवन, ये ऐसे खुलते हैं एंड इट विल ओपन एंड बंद भी हो जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो मैट्रेस दी हुई है बहुत कंफर्टेबल है, 2.5 इंचेस की है विथ द स्प्रिंग इनसाइड। You can see this nylon spring is there inside to give you more and more comfort. So, jab aap ispe soge, to aapko bahut acha comfort milega. Can see. So, this is all about this rooftop tent, Orient tent by Iron Man 4x4. And this is how I come out, and this is how it looks. Quickly, main bata dun. Utility bags to LED lights, there are many space to give you place to keep your stuff and very well ventilated rooftop tent this is, and this is by Iron Man 4x4. Yeah, आगे बढ़ते हैं, इस पे हमने और क्या क्या किया मैं वो भी बता देता हूँ। So this is the extra annexure what we were talking about, ये मैं आपको अभी install करके दिखाऊंगा, लेके आ सको, not too heavy. So guys, this is our annex. इसको fitment करने में थोड़ा सा वक्त लगा है हमको and इसमें दोनों साइड से चार पोल आएंगे, बीच में दो पोल आएंगे। You can use it as a room, you can use it as a shed, आप देख सकते हैं इसमें अंदर नेट दिया हुआ है एंड दैट इज द इनसाइड स्पेस यू विल गेट। इसमें आपको इसको नीचे से एंकर करके इसको फिट करना रहेगा एंड इसमें जो स्ट्रिंग्स दिए हुए वो भी आपको अटैच करनी होगी। तो एंड दिस इज हाउ इट विल फिट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ओरिएंट टेंट एंड द एनेक्स ऑफ दिस टेंट।